हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर। देखिए, बीए फाइनल ईयर के जो है ये सेमेस्टर फिफ्थ है। सेमेस्टर फिफ्थ में जो हम आज करेंगे है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा आज सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपको जो ब्रिटिश में जो पार्टियां हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीतिक में। तो ये विषय पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पार्टी है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्राउन्स का क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये चैप्टर जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसको देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो एट्थ क्लास हो, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है यह है इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता, ये मेन फीचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंग्लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता किस बात पे आधारित है। अगर देखा जाए, इंग्लैंड में राजतंत्र के साथ उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था का अपनाया गया है, यानी यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था को ही अपनाने का जो है प्रावधान है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सफलतापूर्वक जो है चल रही है और इसका श्रेय जो है इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के दिया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं कहते हैं ना, श्रेय देने के कारण इसका यही है कि राजनीतिक दलों ने इसको बहुत ही सुचारू रूप से कार्यशील करने के लिए प्रयत्नशील रही है सदैव। इंग्लैंड के राजनीतिक दल के विश्व के अन्य देशों के जो है राजनीतिक दलों की अपेक्षा कई बातें विशिष्ट है। इसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है दूसरे देशों के जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग, और क्यों इतना ये विस्तृत है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है द्विदलीय पक्ष जो पद्धति, यानी बायो पार्टीज ऑफ सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड के दलीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ द्विदलीय है। कहते हैं आरंभ में इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में दो दलों का अस्तित्व रहा है सदैव से। सबसे पहले धर्म के आधार पर दो दल बने थे, फिर राजा के समर्थन को जो है कैल्विलियस तथा विरोधियों में जो है राउंड हेल्डर्स बने। इसके पश्चात हिंग्स द टोरेस के नाम से दो दल बने और 19वीं शताब्दी में उदारवादी लिबरल और रूलवादी एंड कंजर्वेटिव्स दलों का प्रभुता रहा। आज भी इंग्लैंड में दो दलें हैं, श्रमिक दल जिसको लेबर पार्टीज कहते हैं और रूलवादी एंड कंजर्वेटिव पार्टी का ही प्रभुता रहा, यानी आज भी दो तरह के पार्टियों का ही प्रभुता बनी रही है। यद्यपि इंग्लैंड में इन दो दलों के अलावा भी अनेक दलों का अस्तित्व है, जैसे लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनिस्ट पार्टी और साम्यवादी पार्टी इत्यादि। लेकिन कहते हैं मई 2015 के चुनाव के बाद जो है अनुदान दल के सरकार बनाई और दिसंबर जो है 2019 में अनुदान दल के सरकार बनाई गई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यानी दो दलीय को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली कई दल जो थे आगे आए, लेकिन दो दल को ही काफ़ी प्रायोरिटी मिला। तो इस प्रकार जो है इंग्लैंड में दो दलीय व्यवस्था की वजह से जो है यहाँ की जो है राजनीतिक काफ़ी मजबूत है। बात करें दूसरी बात, अगर राजनीतिक दलों के पंजीकरण की, तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण भी काफ़ी विशेष स्थान यहाँ पर रखता है।
तो यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि 1989 के राजनीतिक दलों को पंजीकरण संबंधी कानून के अधीन राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण किया जाना आवश्यक था, यानी चुनाव आयोग द्वारा जो है पंजीकृत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण बात था। जिस राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं हुआ होता है उस राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये चुनाव आयोग के लिए पंजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह गया था। फरवरी 2013 के अंत तक लगभग 450 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका था, यानी देखा जाए 2013 के अंत तक लगभग 450, देखिए काफ़ी कम नहीं है, बहुत काफ़ी है, 450 राजनीतिक दलों का जो है पंजीकृत हो चुकी थी। बात यहाँ थर्ड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ यही बात दर्शाया गया है कि सुसंगठित और अनुशासनबद्ध दल, यानी वेल ऑर्गेनाइज एंड द वेल डिसिप्लिनड ऑफ पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दलों का प्रमुख विशेषता उनका सुसंगठित और अनुसंधान होना है। कहते हैं दृढ़ संगठन किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रथम शर्त मानी जाती है, कि दृढ़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अनुसंधान बंधता इस शर्त को कसौटी है। इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों का संगठन अत्यंत दृढ़ है, यानी काफ़ी मजबूत है, और राजनीतिक दलों में संगठन और केंद्रीकरण के सिद्धांत को ही अपनाया है। दलों का केंद्रीय संगठन अत्यंत शक्तिशाली है, और केंद्रीय संगठन दल की जो है निम्न स्तरीय इकाई पर पूर्णता निगरानी रखने के भी प्रावधान किया गया है, और प्रत्येक राजनीतिक दल का जो है अपना राजनीतिक कार्यक्रम होता है जिसमें दल के सभी सदस्य आस्था अथवा वचनबद्धता रखते हैं, यानी वचनबद्धता इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों में जो है सचेतक रखे हुए हैं, और ब्रिटिश दलों व्यवस्था के जो दृढ़ संगठन का कठोर अनुसंधान वर्धन का ही परिणाम है। कहते हैं यहाँ 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल का दल बदल जैसी बुराई के कारण पतन नहीं हुआ। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं भारत में इसका उल्टा है, यहाँ पर तो दल बदलना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल में दल बदल जैसी बुराइयों को कारण पतन नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं आजकल राजनीतिक में सिर्फ एक ही बात सच रह गई है कि लोग अपना सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं, इसके लिए उनको जो भी करना बने, जो भी उनके लिए उचित होता है वो सारे कदम उठाते हैं, चाहे उसके लिए जनता की बुरे से बुरा दशा क्यों ना हो जाए। तो ये राजनीतिक का आज जो है मूल मंत्र बन गया है कि कुछ भी करो, जैसे मर्जी करो, देश बर्बाद करो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी जो है सीट और कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बुरी बात है जो कि होना नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ये बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आने वाला भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर सके। कहते हैं कुर्सी मात्र से लोगों को लालच देना और उन चीज़ों का खनन करना जो कि प्रकृति का देन है और उसको पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार बनना, ये कदाचित उचित नहीं है। और कहते हैं कभी भी कोई नेता होता है तो वो अपना निजी नेता नहीं होता है, निजी कार्य नहीं कर सकता है, वो सार्वजनिक होता है, क्योंकि वो नेता होता है और उसके पीछे न जाने कितने जो है आम जनता का हाथ होता है। तो उनको जो है सार्वजनिक कार्य में ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, न कि अपनी निजी चीज़ों के लिए जो है अपनी सार्वजनिक चीज़ों को ठुकरा दे। तो ये पार्टियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सबब वाली बात है और समझने वाली बात भी यहाँ पर रखता है। यदि बात करें यहाँ पर चौथी बात की विशेषताओं में, तो दलों में उग्रवादी तत्व का अभाव, यानी अब्सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर अमंग टू द पार्टीज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि होना चाहिए किसी भी देश के पार्टियों में। कहते इंग्लैंड राजनीतिक दल किसी विशेष विचारधारा के कट्टर समर्थक नहीं है, ना तो सदैव रूढ़वादी दल के परिवर्तन का विरोध किया है और ना ही उदारवादी की हमेशा ही परिवर्तन की उचित माना है। रूढ़वादी दल को एक लंबे समय तक सत्ता में रहा भी है और रूढ़वादी का समर्थन भी रहा है। वे कभी भी अपने विचारधाराओं को ब्रिटिश जनता पर थोपने का प्रयास कदाचित नहीं किया है। इसी प्रकार मजदूर दल, जिसे हम समाजवाद का समर्थक समझा जाता है, न भी सत्ता में आने पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए। अगर हम उदाहरण का मैं देखें 1997 में तो श्रमिक दल की जो है
अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। कहते हैं ये विजय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की जो है अपने आप को हम की भावना नहीं दिखाई। लेकिन इसी नेता और जो है प्रधानमंत्री एलन विलियर्स ने साफ शब्दों में कहा कि हमने समाजवाद का मुखौटा फेंक दिया है और ब्रिटिश जनता को जो है खून पसीने की कमाई निठल्ले में भेंट पेट भरने में व्यर्थ नहीं गवाई जाएगी। इंग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि अपने विरोधियों के समर्थक और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी कारण वहां के राजनीतिक दल जो है उग्रवादी तत्वों को महत्व न देकर ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दलों में उग्रवादी तत्वों का जो है अभाव है। कहते हैं इसी वजह से जो है इंग्लैंड की पार्टी जो है इतना महत्वपूर्ण बन के उभरा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इंग्लैंड में विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मान्यता भी रखी जाती है, जबकि अगर भारत में देखा जाए तो इसका विपरीत होता है। कहते हैं आज जो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का, सिर्फ आज लोगों को एक कुर्सी अपने बनाए रखने का सिर्फ एक साधन बन गया है। कहते हैं जनता की दुख न किसी को देखने को मिलता है, न समझने को मिलता है। सिर्फ जो है अपना सिर्फ सिक्का चलाने में हर राजनीतिक पार्टी लगी हुई है, अपने आप को सही साबित कर रही है हर जगह पर, चाहे जनता की कुछ भी हो जाए। आज सोच रही है सरकार की आज डेवलपमेंट देश कर दिया जाएगा तो लोग भुखमरी और जो है शिक्षा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लोग जनता कब तक इस बात को सहन करती रहेगी कि आए दिन जो महंगाई बढ़ रही है, आए दिन जो लोगों को बेरोजगारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर जो है मेन विषय ये होना चाहिए। तो आज सरकार इन मेन विषय को छोड़ के जो है अपने ही कैलकुलेशन में लगी हुई है, अपने ही तरक्की की जो है प्रलाप गाती चली जा रही है। यदि बात करें यहाँ पर हम पांचवी पॉइंट की, तो पांचवी पॉइंट यही बात दर्शाता है कि संयम और जो है समझौतावादी प्रवृत्ति एंड ट्रेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर बात इतना ही कहा गया है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दल जो है संयम और समझौतों को जो है समझौतों को जो है प्रमुखता देती है। भले उनमें गठबंधन में जो है सैद्धांतिक आधार पर भेद हो, लेकिन उनमें भाषा जाति अथवा धर्म के आधार पर भेद नहीं है। ये उनके में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उनमें भाषा जाति और धर्म के आधार पर कोई तरह के जो है मतभेद नहीं है। लेकिन अगर हम भारत में देखा जाए तो लोग राजनीतिक भी इसी बातों पर करते हैं, भाषा पे, जाति पे, धर्म पे, और उस पर जो है आपस में लोगों को मरवाते हैं और कटवाते हैं। सांप्रदायिक दंगा तो यहाँ पर आम हो जाती है। तो सोचिए एवं विचार कीजिए कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक है इंडिया से कई मायने में कितना बेहतर है। कहते हैं राजनीतिक पार्टी, मैंने पहले ही बताया था कि किसी एक का नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। अगर कोई पार्टी अगर जीत रही है भारत में, अगर भारत में उसकी पार्टी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसको हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषा भाषी व्यक्तियों का जो है समर्थन करना है और हर कोई एक साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर तो सिर्फ अगर हिंदू से जीत गए हैं तो हिंदू को प्रायोरिटी देते हैं, मुस्लिम में जीत गए तो मुस्लिम को देंगे, और सिख वाले जीते होंगे तो अपने सिख भाइयों के लिए करेंगे। तो ऐसे में कहते हैं किसी भी देश की तरक्की और प्रगति में कोई भी कदम असुचारू रूप से नहीं रखा जा सकता, और इसमें देश जो है कभी विकास की प्रगतिशीलता को नहीं दर्शा सकता और ना कहते कभी ये विकास हो सकता है, क्योंकि विकास होना है तो सबको साथ लेके चलना है। देखिए हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय हमारा देश गुलाम होने के कारण सिर्फ हम लोग स्वयं ही थे, क्योंकि हम लोग एक नहीं थे उस समय। लेकिन जब हमारी समझ बनी, हमने समझा कि हमारा एकता में बल है, तब जाके अंग्रेज भी हमारी एकता को बल को समझ के और भारत छोड़ के चले गए। तो उनको भी समझ में आ गया कि इनको समझ में आ गया है कि इनके एकता में बहुत दम है। लेकिन आज जो है एकता नहीं रह गई है। आज सिर्फ मैंने कहा ना कि आज या तो लोग अपने में मराठी कहलाएंगे, अपने में वो गुजराती कहलाएंगे, अपने में वो लोग पंजाबी कहलाएंगे, अपने में वो बिहारी कहलाएंगे। तो ये ऐसे करने से हमारा देश मजबूत नहीं होना है, ये पार्टी की भी कमजोरी है, और पार्टी ने इसको जो है इसको नस को पकड़ लिया है कि यहाँ पर अगर हमारी अपनी कुर्सी बचानी है तो इनको भाषा पे आपस में लड़ाना है और भाषा पे ही राजनीति करनी है, या इनको झूठा जो है लालच दिखा के किया जा सकता है।
तो मेरा विचार है कि इससे कोई भी देश तरक्की के उस रास्ते पे नहीं जा सकता है जिस पे जाना चाहिए। कहते हैं इंग्लैंड में भी इसी बात पे जो है कभी प्रायोरिटी नहीं दिया गया, चाहे भाषा हो, जाति हो अथवा धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। राजनीतिक दल सर्वाधानिक संसाधनों में पुण्य विश्वास रखते हैं। शासक दल इस बात को समझते हैं कि विरोधी दल को आलोचना का अधिकार है। देखिए ये बात कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए विरोधी दल होते इसलिए हैं कि वो आलोचना करे, और आलोचना करने से क्या होगा कि उसमें अच्छी से अच्छे रिजल्ट आने की बातें यहाँ पर रहेगा। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा किया जाना चाहिए, और यही मकसद होना चाहिए हर राजनीतिक पार्टी का कि जिस मकसद से हम आए हैं, जनता के विश्वास जीत के हम आए हैं, उस मकसद को हम पूरा करें। देखिए कभी भी जब मैनिफेस्ट तैयार होता है किसी भी पार्टी का तो इसमें बेरोजगारी, गरीबी, इन बातों को ध्यान तो देते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ मैनिफेस्ट में ही होते हैं, वास्तविकता में नहीं होता है। वास्तविकता में तो होता है कि वो 10 बंदों को नौकरी देके दिखा देते हैं और कहते हैं हम तो भाई पूरे इंडिया को नौकरी दे दिए। तो ऐसे में देश तरक्की नहीं करेगा, ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ऐसा आप देख सकते हो कि एक राज्य में खुशहाली हो और एक राज्य में जो है दुख दर्द से लोग मर रहे हो, एक राज्य में पानियों की जो है नदियां बह रही हो, एक राज्य में पानी की एक बूंद तक न मिले? तो ऐसे किसी भी देश की तरक्की और किसी भी भारत का जो है प्रोग्रेस नहीं हो सकता। प्रोग्रेस करना है तो हर राज्य, हर देश, हर समाज को लेके चलना पड़ेगा, और इन समाजों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होगा जितना दूसरे समुदाय का योगदान होगा। तो इस बात पे कहते हैं आजकल टीवी न्यूज़ पे हर जगह जो है डिबेट होता रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने पे लग तुले हुए होते हैं, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है देश की, जो समाज की, जो पार्टियों की मुद्दा है, उस पर कोई नहीं उठा रहा। कहते हैं यही सब बातें जो है किसी भी देश की लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं आलोचक होते हैं इसलिए हैं कि गलतियों को जो है उजागर किया जा सके। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरोधी दल और शासक दल जानते हैं कि भविष्य में उनकी स्थिति बदल सकती है, इसलिए ना तो विरोधी दल सिर्फ विरोधियों के लिए विरोध करते हैं और ना ही जो है शासक दल सत्ता से चिपके और मनमाने ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में तो मनमाने ढंग से कार्य करने की एक परंपरा सी चलने लग गई है। अगर कोई व्यक्ति उस पर आवाज़ उठाता है तो अगले दिन पार्टी से बाहर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपना ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी और विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है सम्मान की भावना रखते हैं और संयम और समझौते से कार्य करना उचित मानते हैं। देखिए ये कितना इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट राजनीतिक में से बात है कि सभी जो है सम्मान करते हैं दूसरे को, पार्टियों के व्यक्तियों को, तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अगर दूसरे पार्टी ने जीता है, जनता का विश्वास जीता है, तो इसका कारण कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप में कमी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जीत हार किसी के विश्वास पे या लोगों के विश्वास पे नहीं उतरता है। अब कहीं भी इलेक्शन देख लीजिए, उसमें इतनी बुराई होती है कि धड़ल्ले से लोग शराब, दारू, कपड़े, मदरा ये सब बांट रहे होते हैं और लोगों को लालच में फंसा के जो है अपनी वोटिंग बैंक को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो भारत में तो पता नहीं क्या एक विडंबना सी बन गई है ये चीज़ देने की, ठीक है। अगर नहीं है तो आप किसी भी, अगर सच्चे हो, देशभक्त हो, तो जान लो, एरिया में चले जाके देख लो, आपको ये सब चीज़ें भरमार मिलेगी। जहाँ पर पैसे बांटी जाती है, लोगों के शराब दारू बांटी जाती है, कपड़े बांटे जाते हैं, इतने तरह के लालच देते हैं ना कि लोग तो कहते हैं लालच में ही बहते चले जा रहे हैं। और लोग भी क्या करें, कहते हैं एक दिन तो लालच कम से कम दिखा दें, ठीक है। उनको भी क्या मतलब है, वो भी तो अनपढ़ ही तरह दिखाते हैं अपने आप को, शो करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वोट देने के लिए बाहर निकलते नहीं हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लालच में आके वोट देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कौन पार्टी का क्या मकसद है और क्या विचारधारा है और क्यों हम उसको जिताएं। सिर्फ उनको ये पता है कि उनको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है,
तो उनको जिता देने से हमें क्या होगा, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी, हमें सब्जी सस्ती मिल जाएगी इससे, और हमें आटा चावल रोटी भी सब सस्ता मिल जाएगा, और हम तो सो के सोए रहेंगे और मुँह में जो है भोजन जाता रहेगा। तो कहते हैं जैसा नेता वैसा जो है नागरिक बनता चले जा रहा है, तो किस प्रकार हम आगे देखेंगे ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इंग्लैंड की शासन प्रशासन ने बिल्कुल ये बात बता दिया है कि हम जनता के लिए हैं, तो जनता के लिए ही सेवा करना हमारा दायित्व है। आगे जो छेमा पॉइंट है, दलों में सामान्य सहमति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि जनरल इज अ कंस्टिट्यूएंस अमंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं बाहरी तौर पर देखने से लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में विभिन्न विषयों पर मतभेद है। विभिन्न राजनीतिक दलों एक विचारधारा जो है विशेष की ओर झुकाव को देखते हुए यह मतभेद गहन प्रतीत होता है। उदाहरणतः रूढ़वादी दल की नीति जो होती है वो संपत्ति परंपरा रूढ़ियों और जो है उग्रवादवादी इत्यादि को समर्थन है, जबकि श्रमिक दल समाजवाद में विश्वास रखता है और जो है ये आर्थिक नियोजन और सरकारी नियंत्रण का समर्थन भी करता है। दोनों में इसकी विविधता को बावजूद भी कुछ विशेष पर सामान्य सहमति भी पाई जाती है और दोनों ही राजनीतिक दल जो है संसद की जो है स्वायत्तता यानी लॉर्ड सदन के बनाए रखने और जो है न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता इत्यादि का भी समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल इस बात पर भी सामान्य सहमति रखते हैं कि कानून और व्यवस्थित मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इससे जो है स्वतंत्रता का दमन न हो, यानी स्वतंत्रता किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए, इस बात पे ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्वास्थ्य और जन कल्याण की योजनाएं अधिक लागू किए जाएं, अच्छी सड़कें हो, अधिक स्कूल खोले जाए, अच्छे घर और लोगों को जीवन स्तर ऊंचे हो, इसके अतिरिक्त पर्यावरण स्वच्छता और श्रेष्ठ विशेष नागरिकों के निर्माण के प्रति राजनीतिक दलों के सहमति पाई जाती है। कहने का अभिप्राय यही कि ब्रिटिश राजनीतिक दल एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है हर एक राजनीतिक का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है वो होता है सड़कें। लेकिन भारत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि NH हाईवे बनाई गई है, ये हाईवे बनाया गया, वो हाईवे बनाया गया है, लेकिन शायद सरकार इस बात को नहीं जानती है कि ये बड़े बड़े हाईवे जो है आम जनता गरीब लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। गरीब लोग तो वो रास्ते यूज़ करते हैं जो उनके घर के आसपास किनारे बसे हुए को एक दूसरे से जोड़ता है, और उसकी हालत आप जाके देखिए, आपका ना कमर ना टूट जाए तो आप अपना नाम बदल लेना, लेकिन आपका कमर कैसे टूटेगा? आपको तो पता ही है कि जब भी आपका आगमन होता है तो पूरे रोडों को सजा दिया जाता है, पूरे रोडों को साफ कर देते हैं, तो आपको कहाँ से कमर टूट जाएगा? आप तो आराम से आओगे जाओगे, ऐश करो, लेकिन आम जनता से जाके पूछ के देखो कि उनके क्षेत्र में उनके रोडों का क्या दुर्दशा है। कहते हैं जो रोड अच्छे होते हैं उस पे परत चढ़ाए जा रहे होते हैं, और जो रोड टूटे हैं जहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इतनी दयनीय स्थिति है, जिसके तो कहते ना जनता जाती है ना, जनता जब उसका इस्तेमाल करती है तब रोती है वो, और सिर्फ वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आपको कोस देती है, क्यों हमने सरकार को जिता दिया, क्यों हमने ऐसे सरकार को लेके आ गए। तो आप तो सिर्फ हाईवे बनाने में लगे हुए हो, आपको शायद ये लगता है कि आम गरीब जनता जो है बड़े बड़े हाईवे का इस्तेमाल करती है और उसी हाईवे पे जो है उनका जीवन चलता है, लेकिन शायद आपको साथ गलत फहमी है। आपको पता होना चाहिए कि आम जनता जो है वो छोटे मोटे रोड को इस्तेमाल करती है, जिसको आप आए दिन तोड़ रखे होते हो, और इसमें कोई ध्यान आपका नहीं होता है। होता कब ध्यान है? जब कोई मंत्री जी की काफिला जो है वहाँ से गुजरता है तो उसको आप क्या कर देते हो, अच्छे से सजा देते हो कि मंत्री जी की जो है नजर इस रोड पे ना पड़े। लेकिन यही बात इंग्लैंड में देखा जाए तो इंग्लैंड में वहां पर पार्टियों की ये विचारधारा नहीं है, वहां पर है कि उनके सर के अच्छे घर, उनके जीवन स्तर पे जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो है पार्टी लोग करे काम, और इसमें सबका समर्थन होता है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बात इंडिया में नहीं है, ये इंग्लैंड में है, क्योंकि सभी जो है राजनीतिक पार्टी का साथ होता है, समर्थन होता है, और वहाँ पर सड़कें, स्कूलें, अच्छे घर, उनका जीवन स्तर ऊंचे होना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ये सारी बातें होती है। कहते हैं कोई सरकार अगर शिक्षा पर दो नज़र देख लेती है तो कहती है हम शिक्षा को तो चरम सीमा पर पहुँचा दिया है, लेकिन चरम सीमा पर तो पहुँचाना आपका कर्तव्य था, तो इसमें ढोल पीटने की क्या ज़रूरत था? कहते हैं हर एक
नागरिक हर एक मंत्री हर एक संतरी का कार्य होता है कि जिस विभाग में वो आ गया है जहाँ पर उसका मुखिया बना है उस विभाग को जो है 29 कसौटी पे लेके जाना उसका दायित्व होता है। तो इसमें ढोल पिटने की क्या ज़रूरत है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपके को तो फ़र्ज था ये करना। तो ये बातें जो होती है इम्पोर्टेंट होती है कि सबका अपना दायित्व उचित प्रकार से निभाए, जैसे इंग्लैंड में ऐसे सारी बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है। बात करें अगर 7th पॉइंट के, तो इसमें यही बात पे जोर दिया गया है कि निरंतर सक्रियता विश्वास, यानी जिन देशों में जो है आध्यात्मिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वहाँ जो है कार्यपालिका एक निश्चित एक समय के लिए नियुक्त हो जाता है, अंत इन देशों में जो है राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात मृत प्राय हो जाते हैं, उनकी गतिविधियां अत्यंत क्षीण हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली का अपनाया गया है, यहां विरोधी पक्ष सदैव सरकार के पतन के बाद सरकार बनाने का ताक में सदैव रहती है और सत्ताधारी पक्ष का यह प्रयास रहता है कि वह न केवल सत्ता में रहे अतुल ऐसे कार्य करे भी जिससे जनता जो है आगामी चुनाव में पुण्य उसी का चयन करे। इसलिए राजनीतिक दल अंतर जो है राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल जो है जल से जुलूस समाचार पत्र भाषण रैलियां आदि द्वारा अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार भी करती है। राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी जनता के साथ जो है संपर्क बनाए रखती है। विभिन्न राजनीतिक दल जो है शोध पत्र लघु पुस्तकालय मैगजीन इत्यादि प्रकाशित करते हैं और उनके जनता में बांटती है जिससे जनता जो है उनकी विचारों से अवगत हो सके। उसके पश्चात जो है इसमें 8th पॉइंट यही कहता है संघीय विरोध दल यानी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। कहते हैं ब्रिटिश दलीय व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह विरोधी दल का अत्यंत दृढ़ है। विरोधी दल सदैव विरोधियों के विरोध नहीं करता है बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। विरोधी दल का जो है महारानी का फायदा विरोधी दल उठाते हैं और कहते हैं इस अभिप्राय का यह है कि विरोधी दल भी सत्ताधारी दल के सामान्य जो है शासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। विरोधी दल के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। ऐसे कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं भी उनको मिलती है। विरोधी दल का भी सत्ताधारी के दल की तरह अपना मंत्रिमंडल होता है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी उनको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है लेकिन विरोधी दल अपना जो है कैबिनेट पूरा बना के रखते हैं। इंग्लैंड में विरोधी दल जो है सगज प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रहरी की तरह भूमिका ही कह सकते हो। विरोधी दल जो है सत्ताधारी दल के जो है मनमानी करने अथवा सत्ता के दुरुपयोग के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और विरोधी दल के प्रश्नों के उत्तर देते समय फूक फूक का जो है कदम रखना पड़ता है। मई 1997 में कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी ने सत्ताधारी रूढ़वादी पार्टी के निष्कर्षित और उत्तरदायित्वहीनता के विरुद्ध व्यापक प्रचार किया था जिसके परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी का इतिहास विजय प्राप्त हुई। इतना ही नहीं विरोधी दल सरकार की उसकी उचित नीति और जो है कार्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास करके त्यागने पर भी बाध्य कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखता है। यहां अगली बात यही आती है कि लूट प्रथा का अभाव, यानी लूट प्रथा का अभाव अब्सेंस ऑफ द स्पॉलर सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था में लूट प्रथा जैसी बुराई देखने को नहीं मिलती है। लूट प्रथा से अभिप्राय सामान्य जो है चुनावों में बाद पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारी के स्थान पर उन पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है जिन्हें चुनाव से दल विशेष को लाभ पहुँचाए। तो ऐसा वहाँ पर लूट मार देखने को नहीं मिलता है, इन बातों पर खास ध्यान दी जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहते हैं यह प्रथा अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारी की भारी संख्या में परिवर्तन कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए पदाधिकारी की नियुक्ति भी किया जाता है जिन्होंने जो है राष्ट्रपति को विजय बनाने में योगदान दिया था। इंग्लैंड में सरकार में परिवर्तन के पश्चात स्थायी पदाधिकारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ जिस दल की चाहे सरकार के प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको तबादला करना या उनको हटाना ये सही नहीं होता है क्योंकि वो कई मानने में उस कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कहते हैं लोक सेवा एक निश्चित पद्धति का अनुक्त नियुक्त किए जाते हैं इसलिए राजनीतिक दलों के जो हस्तक्षेप का असर उन पर किसी प्रकार का नहीं होता है।
उसके पश्चात इसमें है हमारा प्रत्येक दल में भिन्न भिन्न विचारधाराओं का संगम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि श्रमिक दल जो है समाजवाद का समर्थन और वह केवल श्रमिक छोटे दुकानदार एवं निम्न वर्गों के लोगों का ही समर्थक है। तथा रूढ़िवादी दल जो है परंपरावाद का भक्त है और केवल जमींदारों उद्योगपति तथा उच्च मध्य वर्ग आदि का समर्थन भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में दोनों प्रमुख दलों श्रमिक दल और रूढ़िवादी दलों को सामान्य वर्गों में लोग सम्मिलित हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल में हर प्रकार के वर्ग श्रमिक दल और रूढ़िवादी दलों में सामान्य वर्ग के लोग देखने को मिलेगा। कहते हैं इसमें जो है अगर वामपंथी देख ले, दक्षिण पंथी देख ले, प्रगतिशील देख ले या प्रतिक्रियावादी देख ले, तो ये लोग प्रत्येक राजनीतिक दल में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी दल के जो है मूलभूत प्रधानमंत्री एडवर्ड लीथ जहां गतिविधि विचार रखते थे, वहां इसी दल की जो है श्रीमती मार्गेट थैचर को समाजवादी चिढ़ थी। तो ये कहते हैं दोनों तरह के आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। आगे है नेता का जो है सर्वोच्च महत्व, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ऑफ द लीडर। देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का जो संचालन नेता द्वारा ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में नेता का वहाँ की जो है दलीय व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। दल की सफलता में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। इंग्लैंड का इतिहास अनेकों महत्वपूर्ण नेताओं के भरा पड़ा है। यद्यपि जो है ब्रिटिश जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन उस पर भी दल का अपेक्षा नेता का प्रभुता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः 19वीं शताब्दी में उत्तरदायित्व में दो प्रभावशाली व्यक्ति ग्लैडस्टोन और जो था डिजलराइलिस के बीच प्रतिद्वंद्वता आरंभ होने से लेकर ब्रिटिश जनता दलीय कार्यक्रम को नहीं बल्कि दलीय नेताओं को अपना मत देती थी। दल के भीतर जो सदस्य के ऊपर ही नहीं वरना दल की बाहर भी नेता का प्रभावकारी भूमिका रहती थी। और इस चुनाव में और प्रभावशाली नेता टैनो वेलियर्स ने न केवल अपनी मृतप्राय पार्टी में जान डाली अतुल उसे जो है ऐतिहासिक विजय दिलाने में जो है नृत्य भूमिका निभाई। इसके जो है विपरीत रूढ़िवादी दल को कमजोर नेतृत्व के कारण जो है काफ़ी जो है पराजय का सामना करना पड़ गया। यदि बात करें इसमें हम जो है बार्मा जो है पॉइंट के, तो इसमें क्या है दलों की धार्मिक निरपेक्ष प्रवृत्तियाँ यानी सेक्युलर टेंडेंसी ऑफ पार्टी। विश्व के विभिन्न देशों में धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि आधार पर जो है राजनीतिक दलों को गठन किया जाता है, परंतु इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में इन चीज़ों को बहुत ही परे रखा गया है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल सभी वर्ग, धर्म इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता दृष्टिकोण रखते हैं, यानी यहाँ धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय सब एक सामान्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रवृत्ति रखा गया है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस। इंग्लैंड के सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते हैं और प्रत्येक दल सत्ता प्राप्ति के बाद यह प्रयास करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाए यानी काफी मजबूत बनाए। अब देखिए इस सब बात से निष्कर्ष यही निकलता है कि ऊपर विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था की अपनी ही विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही इंग्लैंड के जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। फंक्शन एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की कार्य एवं भूमिका क्या है, तो इस विषय में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात यहाँ देखा जाए तो इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको जो समझना आपके लिए फ़र्ज बन जाता है। तो इसमें आपने जो है जैसे कि इसमें हमने राजनीतिक दलों की विशेषता पहले ही कर चुके हैं, पहला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने पूरा विशेषताओं का जो है चर्चा किया था, जिसमें 13 पॉइंट थे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जो हम इसके यहाँ पर करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश दल प्रणाली के कार्य एवं भूमिका। तो देखिए बात यहाँ पर कार्य और भूमिका के किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों के महत्ता और उनके जो है विभिन्न कार्य कारण विभिन्न ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली तथा देश की राजनीतिक में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है और जीवन में अनेक उपयोगी कार्य भी है। इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका का अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि लोक मत तैयार करना। देखिए लोक मत तैयार करना कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है और इस बात से आप भली भांति परिचित ही हो। कहते हैं अगर हम लोकतंत्र तैयार करने की बात करते हैं तो राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दल जो है सभा सम्मेलन आयोजित भी करते हैं। कई तरह के सभा आयोजन करना जो है राजनीतिक
लोकमत की सबसे बड़ी देन है और अपने समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं तथा रेडियो टेलीविजन आदि के आधार पर अपने राजनीतिक व आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार भी करते हैं। देखिए, अपनी आर्थिक राजनीति का प्रचार करना सभी जो है पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे किसी भी देश के पार्टी हो। कहते साधारण जनता को देश की समस्याओं को जानकारी नहीं होती है और जिस कारण वह इस समस्या पर जो है ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं तथा उनके हल करने के सुझाव भी देते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में बहुत जो है सहायता भी मिलती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है बात कि हर लोग मतलब तैयार करना, हर एक जो है पार्टी का अपना एजेंडा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं पार्टी में एजेंडा तो होना ही चाहिए, लेकिन उन बातों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए कि जो हमारे पर्यावरण के लिए और देश के हित के लिए बिल्कुल ही सही नहीं हो, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा देश का जो है बर्बाद होता है और उसकी विकासशील क्षमता में जो है कई रुकावट आने लग जाता है। बात अगर करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरी पॉइंट यही कहता है कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अगर बात यहाँ करें हम, इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजनीतिक दल देश के सामने अपने सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए सदैव तैयार रहती है तथा अपनी नीति निर्धारित भी करती है। प्रत्येक दल की जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दृष्टिकोण तथा अपनी नीति होती है और उस नीति का लागू करने के लिए कार्यक्रम होता है। राजनीतिक दल की शाखाएं शोध कार्य करके जो है नीति के संबंध में सलाह देती है और दलों के राष्ट्रीय अधिवेशन में दल की नीति का निर्माण भी करना इसका दायित्व बन जाती है। तो ये सार्वजनिक नीतियों का निर्माण में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करें यहाँ राजनीतिक शिक्षा की, तो राजनीतिक शिक्षा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि हम इंग्लैंड में राजनीतिक दल अजनता की राजनीतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है और राजनीतिक दल जो है बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक की कारखानों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इत्यादि पर अपना जो है दृष्टिकोण लोगों के सामने रखते हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है कि बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक के कारखानों में भागीदारी, तो इन बातों पर राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और जिसके फलस्वरूप जनता को राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है और विरोधी दल सरकार के आलोचना करते हैं तथा जनता को सरकार की गलत नीतियों के से अवगत कराते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल का नेता जनता के अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीति का जोरदार प्रचार भी करती है और अन्य दलों के नीतियों को दोष को जनता को बताते हैं। राजनीतिक दलों के इस गतिविधियों से जो है लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और इससे जनता जो है रूबरू भी होती है अपने जो है नेताओं के विचारधाराओं से और उसकी जो है सोच बातों से। अगली बात आती है यहाँ पर जो है मतदाताओं के दूरी को कम करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आता है कि मतदाताओं की दूरियों को कम करना, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है यहाँ पर। अगर बात यहाँ हम करें कि टू बी रिड्यूस टू द डिस्टेंस अमंग टू द वोटर्स, तो राजनीतिक दलों का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य मतदाताओं की दूरी को कम करना होता है। राजनीतिक दल देश के मतदाताओं को एक सूत्र में पिरोते हैं और मतदाताओं की संख्या करोड़ों में होने के कारण अनेक उनके लिए एक दूसरे की जानना असंभव होता है। मतदाताओं के विचार अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग मत भी देते हैं। अंततः मतदाता असंगठित होते हैं, जिनके फलस्वरूप जो है इनके देश के राजनीतिक जीवन पर कोई पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीतिक दलों ने इंग्लैंड के मतदाताओं को संगठित किया है और उनके सामने जो है निश्चित कार्यक्रम एवं जो है सिद्धांत रखे हैं तथा उन्हें विभिन्न समूहों में संगठित भी करने की प्रयत्नशील किया है और इस प्रकार जो है राजनीतिक दलों में मतदाताओं की गठित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके एकता प्रदान भी किया गया है और जिसके फलस्वरूप राजनीतिक जीवन में अनेकों प्रभाव वृद्धि देखने को मिला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि मतदाताओं की जो है दूरी को कम कैसे किया जाए और कैसे लुभावनी बातें की जाए जिससे कि वो काफ़ी आकर्षित हो जाए। देखिए दोस्तों, ये बात आकर्षित करना वोटर को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरा विचारधारा यही रहता है कि हम ऐसे कोई भी लालच ना दे जो पर्यावरण हितेश के रूप में प्रॉब्लम करे और पर्यावरण को नुकसान करने के लिए उत्तरदायी हो। तो ये चीज़ें जो है राजनीति में देखने की ज़रूरत है और सलाह करने की ज़रूरत है।
आगे जो हमारा है दोस्तों यह है चुनाव लड़ना, टू बी अ कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन। कहते हैं इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में जनता के प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात व्यास मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं, और राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा कॉमन सदन में अधिक से अधिक सीट प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल की जो है राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी पार्टी की जो है उम्मीदवारों का चयन भी की जाती है तथा उनके चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत भी किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और इस चुनाव घोषणा पत्र में अपनी नीति का जो है कार्यक्रम को घोषित भी करते हैं। राजनीतिक दल अपने जो है उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए अनेक जो है पक्ष में प्रचार करते हैं, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जो है इतिशार छप पाते हैं और जो है जलसे करते हैं जिससे और जुलूस निकलवाते हैं। दल के नेता जगह जगह पर जाकर भाषण देते हैं। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जगह जगह भाषण देना, ठीक है, इश्तिहार छपवाना, जलसे निकालना और जुलूस निकालना, ये इम्पोर्टेंट बातों में रखता है। अगर बात करें यहाँ पर सरकार बनाने की, टू बी फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो कहते हैं कॉमन सदन के आम चुनाव में जिस राजनीतिक दल की बहुमत प्राप्त होती है वह दल सरकार का निर्माण करती है तथा देश का जो है शासन प्रबंधन भी चलाती है। दिसंबर 2019 के जो है कॉमन सदन के चुनाव में अनुदान दल के जो है पूर्व बहुमत प्राप्त हुआ, अंततः इस दल के श्री बैरिस जॉनसन के नेतृत्व में सरकार का निर्माण करवाया गया। कहते हैं जब तक कॉमन सदन में सरकार को बहुमत प्राप्त रहता है तब तक उस दल की सरकार बनी रहती है। सरकार का निर्माण करने के पश्चात जो है सत्तारूढ़ी दल अपनी नीतियों तथा चुनाव में किए गए वादों को जो है व्यवहारिक रूप देने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। शासक दल देश की समस्याओं को हल करने का सदैव प्रयास करते हैं और जो है लोग जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। रूढ़ जो कहते हैं सत्तारूढ़ी दल जो है शासन को अच्छी तरह चलाने का सदैव प्रयत्न करती है ताकि आगामी चुनाव में भी बहुमत प्राप्त हो सके। यदि सत्तारूढ़ी दल देश के शासन कुशलता के चलाने में असफल रहता है तो लोग आगामी चुनाव में ऐसी सरकार को बदल देते हैं, ठीक है। और कहते हैं मई 1997 में इंग्लैंड में की जनता ने जो अनुदार दल की समर्थन नहीं किया क्योंकि अनुदार दल देश के शासन चलाने में तथा देश की समस्याओं को हल करने में असफल रहा। देखिए ये बात तब जान हो पाता है सही जब जनता समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है और उस पर जो है किसी प्रकार का लालच का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो समझ जाती है कौन उनको लालच दे रहा है, कौन उनके लिए देश के हित की बात कर रहा है और किसको जिताना जो है न्याय उचित होगा। तो ऐसे जनता जो होती है अपने देश को सदैव ही प्रगतिशील और जो है विकसित करने में हमेशा योगदान देती है। लेकिन जहाँ जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है वहाँ पर तो कहते हैं ना राजनीतिक नेता जैसे मर्जी है उस देश को चलाने में अपने आप को अग्रसर कर लेते हैं। आगे हमारा जो है पॉइंट देखिए, सेवंथ पॉइंट जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें यही बात जो आया है उभर के कि राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाना, यानी राज्य प्रबंधन में जो है स्थिरता हम किस प्रकार ला सकते हैं, इस विषय पे यहाँ पर बात बताई गई है। अगर बात करें इंग्लैंड में राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड में जो है दलीय प्रणाली पाई जाती है, यानी यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। द्विदलीय प्रणाली ही इंग्लैंड में जो है शासन प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो दायी है। कहते हैं आम चुनाव में जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बनाता है और दूसरा दल जो है विपक्षी दल की भूमिका भी निभाता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण जो है इंग्लैंड में सरकार टूटने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी इंग्लैंड में सरकार बहुत ही कम टूटती है। और 1974 के कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी को जो है 635 सीटें में से केवल 319 सीटें प्राप्त हुई, परंतु इतना कम बहुमत होने के बावजूद भी लेबर पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। कहते हैं मैकेंजी के अनुसार इंग्लैंड में प्रशासनिक स्थिरता को दो कारण उत्तरदायी होते हैं, एक होते हैं द्विदलीय प्रणाली, यानी द्विदलीय प्रणाली होता है और दूसरा जो है दल अनुशासन। तो ये दोनों चीज़ जो होती है किसी भी
चलाने के लिए प्रशासनिक स्थिरता को लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यही दलीय प्रणाली और दल अनुशासन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर देता है। अगर बात यहाँ पर हम करें सरकार के निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनना, यानी टू बी चेक ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टू दैट बिकमिंग अ डिपोर्ट्स एंड देर मेक टू गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, कहते हैं ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनाना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है वह दल जो है सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्ता पे सवार हो जाती है, जबकि दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका हम सदैव अदा करती है। इंग्लैंड में विपक्षी दल की नेता को कानूनी मान्यता भी दी गई है, विपक्षी नेता को निश्चित वेतन तथा भत्ते भी देते हैं और उसकी जो है सरकारी कार्यालय भी दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप ही है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार के निरंकुश बनाने से रोकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना करने से जो है सरकार को निरंकुश बनने से रोका जा सकता है। सरकार की बुराइयों को जनता के सामने रखना, इंग्लैंड में विरोधी दल के केवल सरकार की आलोचना ही नहीं करता है बल्कि रचनात्मक आलोचना भी की जाती है और संकट काल में सरकार को पुण्य संयोग भी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लैंड में विपक्षी दल भी अपना जो है मंत्रिमंडल बनाता है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी इनको शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल सरकार का छाया की तरह पीछा करती है और सरकार के दोषों और गलती जो है नीतियों को जनता के सामने भी रखती है। जब बहुमत दल की सरकार त्याग पत्र देती है तब विपक्षी दल जो है सरकार बना लेती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी होती है सरकार के निरंकुश बनने से रोकती है और जो है उसका उत्तर दायित्व को सदैव ही ध्यान दिलाती रहती है। कहते हैं किसी भी जो है जन कल्याण के लिए और जनता की भलाई के लिए इस प्रकार की सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बात तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही रहती है कि ये छाया मंत्रिमंडल की तरह कार्य करती है, यानी जो असहयोग पार्टी होती है आलोचना करती है, विपक्षी पार्टी होती है वो शैडो कैबिनेट बनाती है, यानी हर तरह के जो है सहूलियत इनको भी दी गई है जिसे समय समय पर रह रह के जो है ये अपने देश के सुचारू रूप चलाने में जो है सरकार को जो है मार्गदर्शन करते रहे। कहते हैं कई कई बार जो होते हैं पार्टी भटक जाती है तो उसमें जो है जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो है स्थान आ जाता है, क्योंकि उसी के वजह से जो है पार्टी जो है निरंकुश होने से बच जाती है और उनकी बुराइयों को जो है विपक्षी पार्टी दिखाती रहती है। तो ये पार्टियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात को पार्टियों को समझना चाहिए कि हमें देश के लिए कार्य करना है, देश के सिवा हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, अपना निजी हमने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हम बहुत बड़े पद पर हैं और यहाँ पर जो जनता को सेवा करना ही प्रत्येक पार्टियों का जो है दायित्व होता है। सिर्फ झूठे सपना दिखाना, झूठी बातें करना किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए, इससे सिर्फ जनता दुखी होती है और सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जो जनता के हित में हो और जनता की भलाई के लिए हो और इससे जनता को कई प्रकार के फायदे मिले, ना कि उससे उसको नुकसान मिले और नुकसान भी ना मिले और साथ में पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, क्योंकि कई गलत कदम उठाने की वजह से पर्यावरण पर भी इसका जो है विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। उसके पश्चात आता है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार। देखिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म, कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दलों ने न केवल राजनीतिक सुधार किए हैं बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक दलों की शक्ति जनता के समर्थन पर निर्भर करती है तथा प्रत्येक पार्टी जनता में अधिक लोकप्रिय होने के लिए जो है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने का प्रयास भी सदैव करती है। पिछले कुछ समय में राजनीतिक दल जो है श्रमिक के काम करने के शर्तों और शासकों में श्रमिक की भागीदारी, वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य तथा जो है आवास की सुविधाएँ आदि में सुधार करने का भी प्रयत्नशील किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार करना। देखिए कहते हैं हमारे देश में भी सामाजिक जो है बहुत सी बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हमारा समाज की दुर्दशा बहुत ही ख़राब थी। तो इसमें जो है बहुत से जो है महान अनुभूतियों ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज सुधारक आंदोलन चलाया और जिसकी वजह से भारत जो है कई तरह के जो है कुप्रथाओं से मुक्त भी हुआ। बात करें यहाँ आर्थिक जो है आर्थिक सुधार के लिए, तो कहते हैं किसी भी देश के जो है अगर रीढ़ की हड्डी माना जाता है तो वो अर्थव्यवस्था ही माना जाता है।
होता है। अगर अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से न चले तो उस देश की कमर जो है टूट जाती है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा वो है यहाँ पर आर्थिक जो है विकास करना और भारत को जो है अच्छे से अच्छे आगे ले जाने की कोशिश करना। तो इंग्लैंड में भी जो है आर्थिक और सामाजिक सुधार के रूप में जो है बहुत काफ़ी योगदान दिया है और कहते हैं इसके वजह से जो है इंग्लैंड काफ़ी आगे भी बढ़ा है। बात अगला पॉइंट करें तो अपने विधायकों पर नियंत्रण। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जबकि ये भारत में ये चीज़ें नहीं दिखता है। आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो होते हैं सरकार बदल जाती है भारत में, तो इसका कारण ये होता है कि अपने विधायक पर इनके खुद के नियंत्रण नहीं होते हैं या क्या करते हैं कि सबके सब लालच में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बुराई का सबब बन सकता है क्योंकि हम जिसको चुन के भेजते हैं अगर वो लालच के चक्कर में आ गया तो हमारा उनको भेजना भी व्यर्थ साबित होता है। तो यही बात आ गया कि अपने विधायकों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टू द लेजिस्लेचर। कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है संसद के सदनों पर नियंत्रण रखते हैं तथा उन्हें संगठित भी करते हैं। एक दल के सदस्य सदन में एक टोली के रूप में कार्य करते हैं और दल के आदर्शों के अनुसार अपने मत का प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार बहुमत दल के सदस्य सरकार के समर्थन करते हैं और विपक्षी दल के सदस्य सरकार की नीतियों के विरोध जो है मतदान करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है कॉमन सदन में प्रत्येक दल के जो है सचिव यानी व्हिप्स होते हैं और मतदाता के लिए अपने दल के सदस्यों का आदेश देते हैं। इंग्लैंड के सत्तारूढ़ी दल के साथ साथ जो है विपक्षी दलों के मुख्य सचेतक तथा डिप्टी सचेतक होते हैं यानी डिप्टी स्लिप्स विप्स होते हैं को सरकारी कोष को वेतन भी दिया जाता है, यानी सरकारी कोष से इन सबको वेतन दिया जाता है। कहते हैं लॉर्ड सदन में भी विपक्षी दलों के सचिव के वेतन भी मिलता है, यानी यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो विधायकों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं जो कि सराहनीय है। कहते हैं अगर किसी देश के अगर विधायकों पर कंट्रोल हो जाता है तो कई मायने में जो है जीत हासिल अपना होता है, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इनके विधायक जो होते हैं जो है समय समय पे अपने आप को बेच लेते हैं और दूसरे दलों में सम्मिलित हो जाते हैं, तभी तो आपको देखने को मिलता है कि आए दिन यहाँ राजनीति में जो है फेरबदल होती रहती है, कभी उसकी पार्टी बन रही होती है कभी उसकी पार्टी बन जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही अलग बात है। कहते हैं ना ऐसे अगर पार्टियाँ बदलती रहेगी तो सरकार कौन चलाएगा। कहते हैं अगर ढाई साल वो चला रहे हैं ढाई साल वो चला रहे हैं तो कौन क्या चला रहा है कुछ किसी को समझ ही नहीं आएगा। 5 साल की समय अवधि होती है और इस समय अवधि में जो है बहुत से कार्यों को जो है गतिमान देना होता है। अगर पार्टियां इस प्रकार बदलती रही तो जो उनका मेन मोटिव था जिस कार्य को जनता के लिए वो लोग गए थे वो मोटिव से वो भटक जाएंगे और अपने जो है सिर्फ अपनी जो है इच्छाओं को ही पूरा करेंगे, यानी वो व्यक्तिगत ही सिर्फ हो जाएंगे। तो आज राजनीतिक पार्टी जितने भी हैं सब व्यक्तिगत होती चली जा रही है, सार्वजनिक होने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, सब व्यक्तिगत हो गए हैं और अपने ही जो है लालच और अपनी ही सुविधाएं और अपनी कुर्सी की बचाने के लिए हर संभव जो है प्रयत्नशील होते हैं, जो कि आज की राजनीति में बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ी कमजोरी भी है। आगे जो है हमारा जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना है, टू बी अ सर्व टू द लिंक बिटवीन टू द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। सत्तारूढ़ी दल जनता में सरकार की नीति और कार्यक्रम का प्रचार करती है। राजनीतिक दल जनता की शिकायतों और तकलीफों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके दूर करने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये होना भी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। इंग्लैंड में ये बात विशिष्ट है कि यहाँ पर जो है जनता के लिए जो है सारे कार्यात होते हैं और जनता के लिए करना, राजनीतिक दल का जनता की शिकायत का उनकी तकलीफ़ों का सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है, जो होना भी चाहिए। अगर बात हम करें 12वां पॉइंट का तो इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन देना। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकरेज करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो ये आम धारणा है कि राजनीतिक दल लोगों के दृष्टिकोणों को जो है संकुचित करते हैं तथा देश को उतने ही जो है गुटों में बांट देते हैं जितने राजनीतिक दल होते हैं। ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, परंतु यह विचार सही नहीं है। अगर बात करें इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के विभिन्न धर्मों के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन भी दिया है। राजनीतिक दल जो है विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है समीप भी लाता है
और राजनीतिक दलों के कारण ही धर्म, जाति तथा क्षेत्रीय दूरियां दूर होती चली जा रही है। एक ही राजनीतिक दल में सभी धर्म, वर्ग और क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही राजनीतिक दल के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। बात यहाँ करें राजनीतिक दल की, तो दल जो होती है एक प्रतीक होती है, इनका एक झंडा होता है, इनका एक नारा होता है आदि के लिए द्वारा राष्ट्रीय एकता की बढ़ावा भी ये देते हैं। कहते हैं युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय संकट के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं, और युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय एकता के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय सरकार का गठन भी किया जाता है ताकि सभी दल मिलकर संकट का सामना कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जब भी इन पे संकट पड़ता है तो सारे पार्टी एक हो जाती है और सारे पार्टी एक बन के जो है देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसमें जो है उनका अपना प्रतीक होता है, अपना झंडा होता है, अपना स्लोगन होता है, अपना विचारधारा होता है। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना जो है इंग्लैंड के सरकार का, इंग्लैंड की पार्टियों का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और देश के और जनता के लिए हितेशी भी है, क्योंकि ये लोग जो है धर्म, जाति और क्षेत्रीय दूरी को दूर रखते हैं और इस पे किसी प्रकार के भेदभाव से वो लोग परे रहते हैं। और जो देश में धर्म, जाति और क्षेत्रीय दूरी रखा जाता है वो देश जरूर कामयाब और जो है प्रगतिशील होता है। तभी तो कहा गया है इंग्लैंड की जो राजनीतिक है कई मानने में सर्वश्रेष्ठ है और इसका जैसा कोई भी शायद देश नहीं है जिनकी इतनी सुचारू और इतना जुझारू रूप से जो है पार्टियां हो और सब एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे के लिए सहयोग करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम निष्कर्ष की करें बात तो इसमें निष्कर्ष में तो यही बात सामने आ सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल होने के श्रेय राजनीतिक दलों को जाता है, यानी यहाँ के राजनीतिक दल जो है कई मानने में सही हैं और उनकी जो है कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली के सफल होने के जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ही जाता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल न होती यदि वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना न होती, यानी द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था के कारण इंग्लैंड में जो है यहाँ पर शासन प्रणाली सफल हुआ है। राजनीतिक दल जो है इंग्लैंड में केवल उपयोगी नहीं है बल्कि ये जनता की चरित्र और स्वभाव और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें जो है अगर देखा जाए प्रसिद्ध विद्वान WS जो है लिगवर्ट्स ने ये बात साफ शब्दों में कहा था कि प्राकृतिक का यह किस प्रकार का चमत्कार है कि इंग्लैंड में जो लड़की या लड़का पैदा होते हैं वो जन्म से ही जो है उदारवादी होते हैं और रूढ़वादी होते हैं। देखिए ये बात कई माने में इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो है हर चीज़ सुचारू रूप से चलाई जाती है और सही रूल रेगुलेशन की वजह से जो है वहाँ की राजनीतिक काफ़ी मजबूत भी है और सभी देशों के लिए एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करती है। कहते हैं किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी को अच्छे से अच्छे बनाने में वहाँ की जो पार्टियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में भी ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना अगर एक पार्टी अच्छा कर रही तो दूसरा पार्टी उस पर टांग अराती है, ठीक है, अगर तीसरा पार्टी गलत कर रही तो चौथा पार्टी उसकी शाबाशी देती है। सिर्फ उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको कैसे भी उखाड़ के फेंकना होता है, चाहे उसके लिए दुश्मन को भी उनको गला लगाना है। तो ये सारी बातें सही नहीं होती है, सिर्फ उनको ये विचारधारा होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो उसको जनता ने स्वयं ही जिता के लेके आई है, ना कि किसी लालचवश से आया है। तो हमें उनको सहयोग देना चाहिए, देश की प्रगति में सदैव पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको हर तरह से मार्गदर्शन भी करने की ज़रूरत होता है। अगर आप अपना पार्टी अच्छे से अच्छे करते हो, अच्छा काम करके दिखाते हो तो जनता खुद ही समझदार है, अगली बार आपकी विजय होती है और आप ही अपना जो है अपना कहते हैं अपना ही सेंटर में सरकार बना पाते हो। लेकिन किसी को गलत कह देना, किसी को गलत करना, ये चीज़ें कई मानने में जो है राजनीतिक के लिए उचित नहीं है। इससे सिर्फ जनता जो होती है हताश होती है, जनता सिर्फ दुखी होती है, क्योंकि जनता आपको इसलिए लेके गई है वहाँ पर क्योंकि वो चाहती थी कि आप उनकी जो दुख तकलीफ़ है उनको दूर करें, उनको बेरोज़गारी ख़त्म करें, उनकी महंगाई को कम करें, उनके लिए सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन आपने इन सब बात ध्यान पर ना देख के उन्होंने सिर्फ आपने क्या किया है, आपने अपना सिर्फ अपना मकसद ही पूरा किया है। तो ये कई मानने में गलत है और इसी से कई भी पार्टी अच्छा से अच्छा व्यवस्था होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इंग्लैंड में इन बातों को जो है परे मारा जाता है, इनमें जाति धर्म किसी बात को भी
आगे नहीं रखा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़रूरी था। तो इसको अच्छे से समझ लेना, हर एक वीडियो को जो है अच्छे से देख लेना और इसके हर एक पहलू पर जो है चर्चा करना और समझने की कोशिश करना। अगर हम कहते त्रिपाणि सेंटर का ये विश्वास है कि अगर आप ये दो अच्छे वीडियो से जो है अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको किसी प्रकार का जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई तरह के जो है क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाणि सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे त्रिपाणि सेंटर को जो है प्रोत्साहन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए और भी सब्जेक्टों को बनाने के लिए अग्रसर रहे। तो आपने इसके लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि त्रिपाणि सेंटर का एक उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक भी पहुंचना है, और हर एक बच्चे तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना है आपने। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक को करना है YouTube से कॉपी करना और WhatsApp स्टेटस पे लगा देना।